वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू वी आर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 5 सिविल प्रोसीजर कोड की। तो ऑर्डर 5 जो सिविल प्रोसीजर कोड का है वो कहता है इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन। इट मीन्स सम्मनों का निकाला जाना और उसकी तामील कैसे की जाएगी, जो भी जिसके अंगेंस्ट केस हुआ है उस पर सम्मन की सर्विस कैसे होगी, उसकी तामील कैसी होगी और वह इशू कैसे होगा। तो ये सारा प्रोसेस बताया गया ऑर्डर 5 में। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है या एडवाइज है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो संग में बुक भी निकाल लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट कि ऑर्डर 5 में क्या लिखा है। या कोई भी वीडियो में मैं आपको जो सिखाती हूँ तो आप उसकी जो बुक है उसको अपना निकाल के साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसका रूल 1। रूल 1 कहता है, सम्मन के बारे में बताता है कि व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड ए सम्मन मे बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर द क्लेम एंड फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। इट मीन्स कि जब बात सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है, अच्छी तरह से पूरी तरीके से किया है, कोर्ट में केस दाखिल हो चुका है, तब उस प्रतिवादी पर जो डिफेंडेंट है जिसके अंगेंस्ट केस हुआ है, सम्मन की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर अपेयर होने, उपसंजात होने का होता है मीनिंग अपेयर होने कोर्ट में और दावे का उत्तर देने, अपना डिफेंस रखने के लिए और अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन स्टेटमेंट दाखिल करके कि वह जो उसके खिलाफ केस हुआ है उसमें क्या कहना चाहता है, तो उसके लिए एक दाखिल होता है रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन कोर्ट में दाखिल करके यदि कोई हो फाइल करने के लिए सम्मन निकाला जा सकेगा। तो इस तरीके से सारा जो है वह सम्मन निकाल सकता है कि डिफेंडेंट जो है अपना पक्ष रखे, अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दे कि वह क्या कहना चाहता है इस केस में, तो इसके लिए सम्मन कोर्ट निकाल सकती है। परंतु जब प्रतिवादी बात पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हो जाए, यानी कि जैसे ही कोई कोर्ट में केस दाखिल हुआ, प्लेन कोर्ट में दाखिल किया गया, तो क्या है उसी टाइम क्या है जो डिफेंडेंट है कोर्ट में अपीयर हो जाए, उपसंजात हो जाए, तो वादी का दावा स्वीकार कर ले, तब कोई सम्मन नहीं निकाला जाएगा और जो जिसके जो इसने उसके अंगेंस्ट केस किया है उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो किसी तरह का कोई सम्मन नहीं निकाला जाएगा। इसमें एक परंतु और है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह और कि जहाँ प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, जो टाइम पीरियड है रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट की तरह उससे अपना जवाब दाखिल करने का, वो है 30 दिन का। अगर वह उसमें असफल रहता है उस टाइम पीरियड में जो है जिसमें वह कोर्ट में केस जो अपना डिफेंस है वो रख सकता है, उसमें असफल रहता है, तो उस केस में क्या है वहाँ उसे ऐसे किसी अन्य दिन को फाइल करने के लिए अनुयात किया जा सकेगा जो न्यायालय उसके द्वारा उनके कारणों को लेखबद्ध करके या विनिष्ठ किया जाए, किंतु जो सम्मन की तामील की तारीख से 90 दिन के बाद का नहीं होगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 30 दिन तक क्या है डिफेंडेंट जो है वह अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में किसी वजह से दाखिल नहीं कर पाया, तो वह कोर्ट को बता सकता है कि वह इस कारण से, इस कोर्स से क्या है कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाया, अपना रिटन स्टेटमेंट अपना डिफेंस नहीं रख पाया, तो वह क्या है कोर्ट क्या है उस टाइम पीरियड को बढ़ा देगी थोड़ा, और लेकिन वह कितना बढ़ाएगी, वह 90 दिन से ज़्यादा का नहीं बढ़ा सकती कोर्ट। सम्मन का जो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने का टाइम पीरियड है वो 30 दिन है और किसी कारण से अगर नहीं कर पाता है तो 90 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड है इसका सब रूल 2 कहता है कि वह प्रतिवादी जिसके नाम उपनियम 1 के अधीन सम्मन निकाला गया है, जो मैंने आपको ये रूल बताया इसके अंतर्गत क्या है एक सम्मन निकाला जा चुका है का, या तो स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जो सम्यक रूप से अनुनिष्ठ किया जाए और बाद में संस्थित उपस्थित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ हो, ऐसे प्लीडर द्वारा जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ है, उत्तर देने के लिए समर्थ है, यानी कि वह जो अगर कोर्ट ने ये सम्मन निकाल दिया है तो वह स्वयं कोर्ट में डिफेंडेंट जो है कोर्ट में अपीयर होगा, यानी कि उपस्थित होगा,
या वह अपने किसी एडवोकेट प्लीडर के थ्रू क्या है कोर्ट में उपस्थित होगा, जो उसके आंसरों जो क्वेश्चन है ये लॉ के क्वेश्चन है उसका आंसर दे सके, या जो केस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसका क्या है आंसर दे सके, या वह ऐसे प्लीडर के द्वारा ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो उस केस में जो पर्सन है उनका उत्तर दे सके, तो वह प्लीडर के द्वारा वह व्यक्ति भी आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल थ्री कहता है कि हर ऐसे संबंध न्यायाधीश या उसके अधिकारी द्वारा जो नियुक्त करे हस्ताक्षित होगा और न्यायालय की मुद्रा मोहर लगी होगी, यानी कि यह संबंध जो कोर्ट के द्वारा निकाला जाएगा उसमें जो न्यायाधीश है सिटिंग जज है जो उस समय उस केस को देख रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, या उसने जो कोई अधिकारी अपॉइंट किया हुआ है ऑफिसर है तो उसके साइन होंगे, और साथ में साथ क्या है कोर्ट की मोहर स्टाम्प लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूल टू। रूल टू ऑर्डर फाइव का कहता है कि संबंधों में पावृत बात प्रति की प्रति यानी कि कॉपी ऑफ प्लान एनेक्ट टू संबंध, यानी जब भी कोर्ट में से कोई संबंध भेजा जाता है उसमें जो प्लान दाखिल किया गया है जिसने केस किया है जो प्लेंटिव है उसका ने जो बात पत्र दाखिल किया है उस बात पत्र को संबंध के साथ अटैच करके उसकी एक कॉपी अटैच करके जिससे कि डिफेंडेंट को पता चल सके कि उस पर किस तरीके का केस हुआ है और वह अपने डिफेंस के लिए तैयार हो सके, तो एक कॉपी क्या है संबंध के साथ लगाई जाती है। ये कहता है रूल टू ऑर्डर फाइव का। रूल थ्री क्या कहता है? रूल थ्री कहता है न्यायालय प्रतिवादी वादी को स्वयं उपसंजात होने का आदेश दे सकेगा। इट मीन कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिव टू अपियर इन पर्सन। इट मीन कि जहां न्यायालय के पास प्रतिवादी को स्वयं उपसंजात होने यानी कि वह खुद अपियर हो कोर्ट में अपेक्षित करने के लिए कारण हो, कोर्ट को लगता है कि उसका अपियर होना जरूरी है प्रतिवादी का, वहाँ संबंध द्वारा यह आदेश किया जाएगा कि संबंध में जो तारीख लिखी हुई है वह न्यायालय में स्वयं यानी खुद क्या है कोर्ट में अपियर हो, साथ में साथ उस संबंध में ये भी लिखा जाएगा। सब रूल टू कहता है कि जहाँ न्यायालय के पास वादी की उसी दिन सभी उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो तो वादी पर भी ये रूल अप्लाई हो सकता है कि कोर्ट कहे कि जिस दिन हमने डेट दी है आप उस दिन जो प्लेंटिव जिसने केस दाखिल किया है वह भी कोर्ट में खुद अपेयर होगा स्वयं अपेयर होगा, तो उस केस में उसको भी ऑर्डर कर सकती है। ये कहता है रूल थ्री ऑर्डर फाइव। रूल फोर क्या कहता है? रूल फोर कहता है कि किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए स्वयं अपेयर होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी ना हो। इट मीन नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपियर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंस विद इन सर्टेन लिमिट्स। जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर अगर वह रहता है व्यक्ति तो उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, अदरवाइज जब तक कि जो बाहर है रहता है थोड़ा दूर रहता है तो उस केस में सरकमस्टांसेस देखे जाएंगे। किसी भी पक्षकार को स्वयं अपेयर होने के लिए उपसंजात होने के लिए केवल तभी आदेश किया जाएगा जब वह न्यायालय के मामूली आरंभिक अधिकारता की सीमा स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, यानी कि जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर कहीं निवास करता है, या ऐसी सीमाओं के बाहर किंतु ऐसे स्थान में निवास करता है जो न्याय सदन से 50 मील से कम और जहां उस स्थान के जहां वह निवास करता है उस स्थान के न्यायालय स्थित है बीच जो है पंचसटांग दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक परिवहन है वहां 200 मील से कम दूर है, यानी 200 मील तक की दूरी तक क्या है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अगर कहीं जो आने जाने की सुविधा वहां पे है तो। नेक्स्ट आते हैं रूल फाइव। रूल फाइव कहता है कि संबंध या तो विवादकों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। जो संबंध जो निकाला जा रहा है रूल फाइव कहता है संबंध टू बी आइदर टू सेटल इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल। न्यायालय संबंध निकाले जाने के समय अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए होगा या बात के अंतिम निपटारे के लिए होगा
और संबंध में तदनुसार निर्देश अंतरिष्ट होगा। यानी कि कोर्ट यह भी मेंशन करेगा कि जो संबंध निकाला जा रहा है वह जो इशू जो उस केस में के एस्टेब्लिश करने हैं तो उस विवाद को के स्थिरीकरण के लिए निकाला जा रहा है या विवाद के अंतिम निपटारे के लिए, तो ये भी मेंशन करना होगा कोर्ट को। परंतु लघुवान न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में संबंध वाद के अंतिम निपटारे के लिए ही होगा। यानी कि जो स्मॉल कॉज कोर्ट है, जो मैंने आपको वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी इसकी मेरे चैनल पे, कि लघुवान न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में संबंध जो है वह बात के अंतिम निपटारे के लिए निकाला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है ऑर्डर 5 का कि प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाए। इट मीन्स कि जो रूल 1 के सब रूल 1 के अधीन न्यायालय के चालू कारोबार, प्रतिवादी के निवास स्थान और संबंध की तामील के लिए आवश्यक समय की प्रति निर्देश में नियत किया जाएगा और वह दिन जिस ऐसे नियत किया जाएगा कि प्रतिवादी को ऐसे दिन उपसंजात होने और उत्तर देने को समर्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। यानी कि जिस दिन कोर्ट खुली हुई है उस दिन का समय दिया जाएगा जहाँ प्रतिवादी का निवास स्थान को ध्यान में रखते हुए और संबंध की तामील के लिए आवश्यक समय जो है डिफेंडेंट को मिल जाए अपना डिफेंस रखने के लिए, इन सब बातों को ध्यान में रख के क्या है कोर्ट संबंध निकालेगी और डेट फिक्स करेगी। नेक्स्ट कहते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है कि संबंध प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेज पेश करे जिन पर वह निर्भर करता है। समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलीड ऑन बाय हिम। इट मीन्स कि जो उपसंजाति है कोर्ट में अपीयर होने का दिन है या उत्तर देने के लिए संबंध में प्रतिवादी को आदेश होगा कि वह अपने कब्जे या शक्ति में कोई अगर डॉक्यूमेंट्स है जिसके वह डिफेंस करना चाहता है उसकी एक कॉपी क्या है कोर्ट में पेश करे और जिस पर अपने मामले के समर्थन में वह निर्भर करता है। यानी कि जो अपना वह डिफेंस रखना चाहता है उसके जो डॉक्यूमेंट है वह भी कोर्ट में लेके आए, ये भी मेंशन कर सकता है कोर्ट संबंध में। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है कि अंतिम निपटारे के लिए संबंध निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश होगा कि वह अपने साक्ष्यों को पेश करे। अगर ये है कि जो अंतिम निपटारा फाइनल डिस्पोजल है उस केस का, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर करेगी कि प्रतिवादियों के वह अपने जो साक्षी हैं एविडेंस जो हैं या विटनेस जो हैं वो पेश करे। जहाँ संबंध बात के अंतिम निपटारे के लिए है वहाँ उसमें प्रतिवादी को यह निर्देश भी होगा कि जिन साक्षियों के साक्ष्य पर अपने मामले के समर्थन पर वह निर्भर करने का आशय है उन सबको उसी दिन पेश करे जो उसकी उपसंजाति का दिन है, जिस दिन उसने कोर्ट में अपीयर होना है, साथ में साथ अपने विटनेसेज भी लेके आए। अगर जो संबंध निकाला गया है कोर्ट के द्वारा वह अगर वाद के अंतिम निपटारे के लिए फाइनल डिस्पोजल के लिए है तो उस केस में कोर्ट कह सकती है कि आप जो डिफेंस रखना चाहते हैं और जो अपने समर्थन में अपने विटनेस पेश करना चाहते हैं तो आप पेश करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 9। रूल 9 है तामील सर्विस कैसे की जाएगी, संबंध और सर्विस। न्यायालय द्वारा संबंध का परिदान डिलीवरी ऑफ संबंध बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा क्या है संबंध भेजा जाता है। जहाँ प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकारता के भीतर निवास करता है यानी कि उसका रेजिडेंस क्या है, उस न्यायालय के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है जिसमें वाद संसद किया जाना है या उस अधिकारता के भीतर निवास करने वाला ऐसा उसका अभिकर्ता है कोई एजेंट है उस डिफेंडेंट का जो संबंध की तामील का पति ग्रहण करने के लिए सशक्त है, जिसको डिफेंडेंट ने अपना जो संबंध है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रखा हुआ है। वहाँ संबंध तब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे उचित अधिकारी को उसके द्वारा या उसके अधीनस्थों में से एक या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा, ये कोरियर के थ्रू भेज सकता है, अधिकारी के द्वारा भेज सकता है जो न्यायालय उसे तामील के लिए अनुमोदित करे, प्रेरित इस तरीके से किया जाएगा। कोर्ट सर्विस जो है इस तरीके से क्या है संबंध की जाएगी।
सब रूल टू कहता है रूल नाइन का कि उचित अधिकारी उस न्यायालय से भिन्न जिसमें वह संस्थित किया गया है किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां संबंध ऐसे ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निर्देश करे। तो ये बताया गया है सब रूल टू में। सब रूल थ्री कहता है कि संबंध की तामील प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी एजेंट के द्वारा अभिकर्ता को संबोधित सीधी रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीच पोस्ट द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जो न्यायालय उच्च न्यायालय के जो नियम बने हुए हैं या नियम बन में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित है या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए नियमों या उपनिष्ठ दस्तावेजों जैसे फैक्स संदेश इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी है कि पारेषण के किसी अन्य साधन द्वारा उसकी एक कॉपी प्रदान की जाएगी यानी कि जो कोर्ट के द्वारा संबंध भेजा जा रहा है चाहे स्पीड पोस्ट से या किसी भी तरीके से भेजा जा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक या कोरियर के द्वारा भेजा जा रहा है फैक्स के द्वारा भेजा जा रहा है तो उसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। परंतु यह है कि इस नियम के अधीन संबंध की तामील वादी के खर्चे पर की जाएगी लेकिन जो खर्चा किया जाएगा वो प्लेंटिफ के द्वारा वादी के द्वारा किया जाएगा जो संबंध की सर्विस का जो खर्चा है। सब रूल फोर कहता है रूल नाइन का सब रूल फोर कहता है कि सब रूल वन में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकारिता के बाहर निवास करता है जिसमें वह संस्थित किया गया है और न्यायालय यह निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी को संबंधों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए जैसा उपनियम थ्री में निर्दिष्ट है रसीदी रजिस्ट्री डाक से भिन्न वहां नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे यानी कि अगर फैक्स के द्वारा कोरियर के द्वारा जहां दूर रहता है डिफेंडेंट तो उस केस में जो है वो उसके द्वारा किया जाएगा कि जो सर्विस की जाएगी वे अगर फैक्स वगैरह के द्वारा की जा रही है तो उसमें जो नियम रूल 21 है वो अप्लाई नहीं होगा उसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल फाइव कहता है रूल नाइन का कि जब कोई अविस्वीकृति या अन्य पावती जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होना तात्पर्य है न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है यानी कि जो किसी डिफेंडेंट के द्वारा जो है या उसके एजेंट के द्वारा कोई जो संबंध है उसको प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके सिग्नेचर होंगे न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है और डाक वस्तु जिसमें संबंध अंतर्विष्ट है न्यायालय द्वारा वापस किए जाते हैं या जो डिफेंडेंट है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है वापस आ जाते हैं कोर्ट को जिस पर डाक कर्मचारी या कोरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया यह आश्चर्य भी प्रस्थांकित तात्पर्य है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब संबंध उसे भेजे जाए या सर्विस की गई उसकी तो वह उस डाक वस्तु का परिदान लेने से इनकार कर दिया तो जो कोरियर सेवा वाला है वो भी लिख सकता है कि जो डिफेंडेंट है उसने संबंध लेने से मना कर दिया या कर सकता है कि जो है वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था जो भी परिस्थिति होगी वो उसको लिख देगा मेंशन कर देगा कोर्ट को वापस कर देगा संबंध या वह इनकार कर देता है डिफेंडेंट जिसमें संबंध अंतर्विष्ट थे और उपनियम A3 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन से लेने से इनकार करता है जो कोरियर यानी जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू लेने से इनकार करता है तो संबंध निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि संबंध समय रूप से प्रतिवादी पर तामील किए दिए गए हैं तो इनकार करता है इस तरीके से तो संबंध की सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट लेकिन जो परंतु क्या है कि जहां संबंध उचित रूप से पता लिखकर उस पर पूर्व संध्याय करके और सीधी रजिस्ट्री डाक द्वारा समय रूप से भेजा गया था वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अविस्वीकृति खो जाने या इधर उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से संबंध निकालने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है यानी कि इधर उधर हो जा रहा है या जो संबंध निकालने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं होता है तो अभी संबंध की सर्विस ये नहीं है कि पूरी मानी जाएगी उस केस में कुछ और होगा।
न्याय कहते हैं सब रूल सिक्स कहता है कि यथास्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश उपनियम एक के प्रयोजन के लिए कोरियर अभिकरण का एक पैनल तैयार करेगा, तो एक पैनल तैयार करेगा कोरियर का। नेक्स्ट आते हैं रूल 9A। रूल 9A कहता है कि तामील के लिए वादी को संबंध का दिया जाना, यानी कि संबंध गिफ्ट टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, यानी कि जो संबंध की तामील करनी है वो पर जो जिसने केस किया है उसको ही वो संबंध दिया जाए सर्विस के लिए। न्यायालय नियम 9 के अधीन संबंध की तामील के अतिरिक्त वादी के आवेदन पर प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए संबंध जारी करने के लिए ऐसे वादी को जो प्रतिवादी पर ऐसे संबंधों की तामील करने के लिए अनुकात कर सकेगा और ऐसे किसी मामले में ऐसे प्रतिवादी को तामील के लिए संबंध का परिदान करेगा, यानी कि कोऑपरेटिव कहता है कि मैं ही संबंध की सर्विस कर दूंगा, तो कोर्ट उसको ही संबंध देके उसकी सर्विस करा सकती है। न्यायालय के न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस नियम नियुक्त करे हस्ताक्षर तो न्यायालय की मुद्दा से मुद्रांकित ऐसे संबंधों की तामील ऐसे वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक कॉपी व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी को देकर या निवेदन करने पर की जाएगी और तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के उपनियम 3 में उल्लेखित है, यानी कि डायरेक्ट उसकी एक कॉपी क्या है डिफेंडेंट को पकड़ा के जो वादी है प्लेंटिफ है वो उसकी संबंध की सर्विस कर सकता है, लेकिन उसमें हस्ताक्षर चाहिए होंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3, रूल 9A का। नियम 16 और नियम 18 के उपबंध ऐसे नियम के अधीन व्यक्तिगत रूप से तामील किए गए संबंधों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति एक तामील करने वाला अधिकारी था। जो रूल्स हैं कि अगर वादी ने संबंध की सर्विस करी है तो ये नहीं माना जाएगा वादी ने करी है, ऐसा माना जाएगा कि उस अधिकारी ने करी है। तो जो रूल 8 है, रूल 16 एंड 18 है, उसके उपबंध जो है वो लागू होंगे। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 4, ऑर्डर 9A। सब रूल 4 कहता है कि यदि ऐसे संबंधों को उसके निवृत्त किए जाने पर प्राप्त करने से इनकार किया जाता है या तामील किया गया व्यक्ति तामील की अविस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या किसी कारणवश ऐसा संबंध व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर और न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को तामील किए जाने वाली रीति से तामील किए जाने के लिए संबंधों को पुनः जारी करेगा। तो कोर्ट अगर एक बार एक्सेप्ट नहीं हुआ या किसी तरीके से रह गया, संबंध की सर्विस नहीं हुई, गलत पता था, तो उस केस में कोर्ट क्या है द्वारा संबंध इशू करेगी, द्वारा उसकी तामील सर्विस कराएगी और उसका जो खर्चा होगा वो प्लेंटिफ के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 10। रूल 10 कहता है ऑर्डर 5 का कि तामील का ढंग क्या होगा, मोड ऑफ सर्विस क्या होगा। तो संबंध की तामील उसकी ऐसी प्रति ऐसी कॉपी के परिदान या निमादान द्वारा की जाएगी और न्यायाधीश या उसके अधिकारा द्वारा या वह इस निमन नियुक्त करे हस्ताक्षरित हो जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो। यानी ये संबंध निकालने का ढंग क्या होगा कि संबंध जो निकाला जाएगा उसकी एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को जिसके अंगेंस्ट संबंध निकाला गया है उसको दी जाएगी, जिसमें कि न्यायालय की मुद्रा और जो जज है उसके साइन होंगे, उस कोर्ट के साइन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है ऑर्डर 5 का कि अनेक प्रतिवादियों पर तामील कैसे की जाएगी, सर्विस ऑन सर्वल डिफेंडेंट अन्यथा विहित के सिवाय, जहां एक से अधिक प्रतिवादी है वह संबंधों की तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी। बहुत सारे डिफेंडेंट है तो खाली एक डिफेंडेंट पे क्या है संबंध की सर्विस करके नहीं रहा जाएगा, सब पे अलग अलग संबंध की सर्विस की जाएगी। तो ये बताया गया है रूल 11, ऑर्डर 5 के रूल 11 में ये बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 12। रूल 12 कहता है कि जब साक्ष्य हो तब संबंध की जो तामील स्वयं प्रतिवादी पर है अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी। सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट।
जब साक्ष्य हो जहाँ कहीं भी यह साध्य हो, साक्ष्य नहीं है सॉरी, साध्य हो, जब साध्य हो वहां तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी, किंतु यदि तामील का प्रतिगमन करने के लिए सशक्त कोई ऐसा भी करता है तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी। यानी कि अगर जो संबंध की सर्विस है अगर प्रतिवादी पे वैसे तो की जाएगी, अगर प्रतिवादी नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, उसने कोई एजेंट रखा हुआ तो उस पर संबंध की सर्विस होगी, ये कहता है रूल 12। तो साक्ष्य नहीं था, वो साध्य था। नेक्स्ट आते हैं रूल 13। रूल 13 कहता है कि उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी कारोबार करता है, सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरियर्स ऑन बिजनेस, कैरियर और बिजनेस इट मीन्स कि किसी कारोबार या बिजनेस से संबंधित क्या है, कोई काम करता है उसका व्यक्ति या एजेंट किसी ऐसे बात में जो उसके ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो उस न्यायालय के अधिकार तक स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है, जिसके संबंध निकाला गया है, किसी भी ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जाएगी जो तामील जो सर्विस है तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं ऐसा कारोबार या काम करता है। यानी कि जो व्यक्ति कोई बिजनेस चला रहा है उस डिफेंडेंट का, तो उस पर भी संबंध की सर्विस की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं पोत के मास्टर के बारे में। इस नियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह स्वामी या भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति का अभिकर्ता है। तो अगर वह कोई पोत चलाता है, सिप चलाता है, तो उस पर उस जो पोत चलाने वाला व्यक्ति है उस पर संबंध की सर्विस की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जो रूल 14। रूल 14 ऑर्डर 5 का कहता है कि स्थावर संपत्ति के वादों में भारसाधक अभिकर्ता पर तामील, यानी कि जहाँ स्थावर संपत्ति की बाबत अनुतोष या उसकी प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर अभिप्राप्त करने के बाद में तामील स्वयं प्रतिवादी पर नहीं की जा सकती, या प्रतिवादी पर उस तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता नहीं है, वहाँ तामील प्रतिवादी किसी अभिकर्ता पर की जाएगी जो संपत्ति या भारसाधक है। यानी कि स्थावर संपत्ति से रिलेटेड केस है, रिमूवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, और कोई एजेंट डिफेंडेंट के द्वारा नहीं है, और एजेंट जो डिफेंडेंट है वो भी नहीं रहता है, तो जो उस संपत्ति को संभाले हुए है तो उस पर संबंध की सर्विस की जा सकती है। ये कहता है रूल 14। रूल 15 कहता है कि जहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के व्यक्ति सदस्य पे की जाएगी, वेयर सर्विस मे बी ऑन द एडल्ट मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट फैमिली, यानी कि डिफेंडेंट की फैमिली के भी क्या है संबंध की सर्विस की जा सकती है। ये बताता है रूल 15 ऑर्डर 5 का कि जहाँ किसी बाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान में उस समय अनुपस्थित है जहाँ उस पर संबंध की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है, और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है, और संबंध की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता एजेंट जो है नहीं है, वहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुंब के कोई वयस्क कोई बच्चे पे नहीं की जाएगी, उसके वयस्क जो है जो 18 से ऊपर का व्यक्ति है, व्यक्ति है या कोई स्त्री है या पुरुष है पर की जाएगी जो उसके साथ निवास करता है, उस डिफेंडेंट की फैमिली में से कोई मेम्बर ना है, लेकिन इसके अंदर नौकर नहीं आता। नेक्स्ट है कि रूल 16 कहता है जब वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है अविस्वीकृति हस्ताक्षर करेगा, कि वह एक्सेप्ट करेगा कि हाँ उसने जो संबंध है वो प्राप्त कर लिया है साइन करके, जहाँ तामील करने वाला अधिकारी संबंध की प्रति स्वयं प्रतिवादी को या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करता है या निविदत करता है, वहाँ जिस व्यक्ति को प्रति या कॉपी उस संबंध की दी जा रही है वो एक्सेप्ट करेगा और सिग्नेचर करके क्या करेगा, अपनी स्वीकृति देगा कि हाँ उसने जो संबंध है वो एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 17। रूल 17 कहता है जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या ना कर पाए, तब प्रक्रिया क्या होगी, तब प्रोसीजर क्या होगा।
वहाँ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अविश्वस्ति का हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या वहाँ तामील करने वाला अधिकारी सभी समय तत्परता बरतने के पश्चात ऐसे प्रतिवादी को ना पा सके यानी कि नहीं मिलता है डिफेंडेंट और जो अपने निवास स्थान में उस समय उपस्थित है या उस समय संबंध की संबंध की जो सर्विस है प्रतिवादी पर ना कर पाए तो वह क्या है उस निवास स्थान पर उसकी कॉपी छोड़ सकता है, उसके दरवाजे के आगे लगा सकता है या कहे ऐसे स्थान पर लगा सकता है जो उसके लिए नियुक्त है या उसके अभिकर्ता पे कर सकता है। तो इस तरीके से कर सकता है जो अपने निवास स्थान पर उसे में अनुपस्थित है तब उस संबंध की सर्विस की तामील उसके निवास स्थान पर की जाएगी और युक्ति समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, एजेंट नहीं है जो संबंध की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से कर सके या ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर की संबंध की सर्विस की जा सके, उसको फैमिली मेम्बर भी नहीं है जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या स्वयं काम करता है बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहज दृश्य स्थान पर क्या है संबंध की एक कॉपी लगा देगा और उसको प्रस्तांकित कर देगा और ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि इसकी एक प्रति ऐसे लगा दी गई है और वह कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें कि ऐसा किया गया कथित होंगी और जिसमें उस व्यक्ति को नाम और पता कथित होगा जिसमें पैग्रह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई थी तो न्यायालय को लौटाएगा जिसने निकाला था। तो इस तरीके से कि जो इसने की उपस्थिति में उसने लगाया उसके भी सिग्नेचर चलेगा तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 18। रूल 18 कहता है कि तामील करने के समय रीति का जो है वह क्या किस रीति से क्या है जो संबंध के समय और रीति का प्रस्तांकन किया जाएगा, लेकिन मैं आपको ये जो रूल 18 है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट रूल्स को पढ़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।